Good morning. I am Preeti Sharma and our today's topic is lime soda process. So as we know that the basic principle is lime soda process is to chemically convert all the soluble hardness into insoluble precipitate that can be removed by filtration or sedimentation or settling process. So lime soda process ke baare mein jante hain. लाइम सोडा प्रोसेस में जितनी भी सोल्यूबल हार्डनेस होती है उसको हम इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो रिएक्ट करता है लाइम एंड सोडा से। तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के सॉल्ट्स के लिए हमें कौन सा केमिकल रिक्वायर्ड है। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए लाइम रिक्वायर्ड है या सोडा रिक्वायर्ड है, परमानेंट हार्डनेस के लिए लाइम की रिक्वायरमेंट है या सोडा की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो इनको हम रिएक्शंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए बात करते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को वाटर से रिमूव कर सकता है, मींस उसे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है, तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइम की। लाइम मींस CaOH होल ट्वाइस। व्हेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, सो इट इज द रिएक्शन। वी नो दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट बी प्रेसिपिटेटेड एंड इट फॉर्म्स ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल। सेम रिएक्शन फॉर सेकेंड टेम्परेरी हार्डनेस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट is react with 2 mole of lime and it forms magnesium hydroxide calcium carbonate and H2O water molecule। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड एंड वी कैन रिमूव दैट बाय फिल्टरिंग प्रोसेस। सो इस लाइम का यूज करके हम दोनों टेम्परेरी हार्डनेस को यहां पर रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करेंगे। कैल्शियम में कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सोडा की। जब कैल्शियम क्लोराइड सोडा से रिएक्शन करता है सो इट कन्वर्ट्स कैल्शियम क्लोराइड इंटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट इज प्रेसिपिटेटेड एंड NaCl इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ हार्डनेस। सेकेंड टेम्परेरी हार्डनेस इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट रिक्वायर्ड Na2CO3 सोडा, दैट इज हार्डनेस, दैट इज सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड द Na2SO4 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ हार्डनेस। सो दीज आर द कैल्शियम हार्डनेस, कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस, दैट इज MgCl2 एंड MgSO4। फॉर मैग्नीशियम हार्डनेस वी रिक्वायर बोथ लाइम एंड सोडा। सो फर्स्टली मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ लाइम,
and it forms magnesium hydroxide and calcium chloride. As we know that calcium chloride is also responsible for permanent hardness and magnesium hydroxide is insoluble in water, so it was precipitated. So for calcium chloride, again we required soda, sodium carbonate. It forms calcium carbonate. It is insoluble, so it was precipitated, and NaCl. It is not responsible for hardness. Same for magnesium sulfate, permanent hardness. मैग्नीशियम सल्फेट को भी रिमूव करने के लिए हमें लाइम एंड सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट होगी. सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये रिएक्ट करेगा लाइम से एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कैल्शियम सल्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस. सो यहाँ पर हमें जरूरत है कैल्शियम सल्फेट को भी रिमूव करने के लिए. कैल्शियम सल्फेट को हमें रिमूव करने के लिए फिर से लाइम सोडा की रिक्वायरमेंट होगी. CaSO4 प्लस Na2CO3 इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर प्लस Na2SO4. कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ हार्डनेस. तो इस लेक्चर में मैंने आपको दो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बारे में, परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बारे में बताया. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अदर रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी. सो थैंक यू सो मच.